ये बच्चा माचिस की तीली से भी छोटा है अब, क्योंकि वो इतना छोटा था कि जब वो पैदा हुआ तो सांस उसे देख भी नहीं पाती। उसका बाप उसे कचरे के साथ जमीन में दफनाने ही वाला था और जब वो उसे दफना ही रहा था कि अचानक से उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। आदमी टॉवल को खोलता है और शॉक हो जाता है, अंदर एक माचिस की तीली से भी छोटा बच्चा था। आदमी इतना डर चुका था कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसकी बीवी ये मानने को तैयार नहीं थी और वो अपने पति को उसे फेंक देने के लिए कहती है, पर पति उसे समझाता है कि बच्चा भले ही बहुत छोटा है पर वो है तो उनका ही खून। अब दोनों 50 साल के हो चुके थे पर फिर भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो पति उस छोटे बच्चे को देखकर खुश हो जाता है और उस पर अपना प्यार लुटाता है। वो माचिस की डब्बी से उसके लिए बिस्तर बनाता है, वो बच्चे को ढकने के लिए मच्छरदानी भी बनाता है, यहाँ तक कि वो सबसे फेमस जादूगर को भी बुलाता है ताकि वो उसके लिए एक कड़ा बना सके। पर उसकी सास का मानना था कि वो बच्चा एक बुरा शगुन है और जब आदमी काम से बाहर गया था वो चुपके से उसे आग में जला के मारने की कोशिश करती है। और जब वो ये करने ही वाली होती है कि अचानक से एक छोटी देवी वहाँ प्रकट होती है और चिल्लाती है, सास की फट चुकी थी और वो गलती से बच्चे को गिरा देती है। पर खुशकिस्मती से इन वक्त पर देवी उसे पकड़ लेती है।